तो गाइस आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप फेस ग्लो एंड फोटो एडिटिंग कर सकते हो। ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा आसान है, यदि आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट्स को मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को देख लेना है कि फ़ोटो में क्या कमी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा फ़ोटो का फेस है जो ब्लैक कलर है, तो उसे वाइट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है इस फ़ोटो को, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री मिल जाता है, आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको टूल बार वगैरह देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इसमें क्लिक करने के बाद आपको सारा टूल्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है सेलेक्टिव टूल का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी तरह से फेस ग्लो होता है, मतलब वाइट होता है। तो हम इस टूल का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ इस तरह से यूज़ करना है एंड फेस में स्क्रोल कर लेना है कुछ इस तरह से एंड इसका ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। इससे होता यह है कि फेस का जो ब्राइटनेस है बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब ग्लो करता है एक तरह से देखा जाए। उसके बाद ये कंट्रास्ट से चमक बढ़ता है, तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको लास्ट में स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे राइट कर लेते हैं। अब राइट करने के बाद देख सकते हो फेस हमारा काफ़ी अच्छी तरह से ग्लो हो गया है, मतलब वाइट हो गया है, बट स्मूथ नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फेस में कलर देंगे, ठीक है, ताकि फेस जो रियलिटिक लगे। तो उसके लिए हम ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे एंड इस ऑप्शन के अंदर दोस्तों एम्बियंस का एक टूल्स है, इसकी सहायता से आप अपनी फेस का जो चमक जो है मतलब रियलिटिक लुक देख सकते हो, ठीक है, मतलब चमक वाली लुक देख सकते हो इस फिल्टर की हेल्प से। एंड इसके बाद इसे राइट कर लेना है। अब दोस्तों राइट करने के बाद यहाँ से आपको स्केच बुक ऑटो डायरेक्शन में शेयर करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से शेयर करना है। तो उसके लिए आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको ऑटो डायरेक्शन भी प्ले स्टोर में मिल जाता है, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो हमने ऑटो डायरेक्शन के अंदर इसे इम्पोर्ट कर लिए। अब मैं आपको जो टूल्स बताऊँगा आपको उसी टूल्स का यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको ब्रश वाले ओपन में क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको नीचे करते हुए आना है। मैं मोबाइल को रोटेट किया हूँ इसीलिए आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक स्मूथ करने का एक ब्रश दिखाई देगा, तो आपको ये वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। इसका सेटिंग्स मैं जो तो बताऊंगा उसी को रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका सेटिंग्स को बता देता हूँ। तो हम दोस्तों यहाँ से सेटिंग्स में क्लिक कर लेते हैं एंड इसका सेटिंग साइज को अपने हिसाब से रख लेते हैं। फॉलो को आपको 3% रख लेना है एंड जो स्ट्रेट का ऑप्शन है उसको 30 रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जहाँ पे भी स्मूथ करना है, फेस हैंड वगैरह जहाँ पे भी आप करना चाहते हो वहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करके स्मूथ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जो हमारा टाइम बच सके एंड हम जल्दी से फोटो एडिटिंग सीख सके, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने क्लियर फेस को स्मूथ कर लिए हैं। अब इसे हम शेयर करेंगे लाइटरूम मोबाइल में, ठीक है, मतलब एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो उसके लिए शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इसे शेयर कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको कोई प्रीसेट्स वगैरह नहीं दूंगा, आपको वीडियो को देखते रहना है तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह से और ग्लो करना है एंड फोटो को एडिट करना है। तो मेन जो हमारा एडिट एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में होने वाला है, तो एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको अच्छी अच्छी फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड चाहिए तो आप asisedit.com सर्च कर सकते हो क्रोम एप्लीकेशन में। आप जाके इस साइट से फोटो एडिटिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री इमेज वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने फिर से एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लिए है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो कंट्रास्ट मतलब ये लाइट वाले टूल्स है इसका यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो लाइट वाले टूल्स में क्लिक कर देना है एंड इसका कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड बढ़ाने के बाद इसको आप क्या करना है, ब्लैक्स में आ जाना है, ठीक है, ताकि फ़ोटो का जो ब्लैक फिल्टर लगे, ठीक है, मतलब फोटो में ब्लैक फिल्टर दे ताकि फ़ोटो और अच्छी लगे। तो उसके बाद ये करने लेने के बाद आपको आ जाना है कलर में, ठीक है। कलर से हम थोड़ा सा फेस वगैरह ग्लो करेंगे ताकि फ़ोटो और मस्त लगे। तो यहाँ से कलर वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, तो ये जो वाइब्रेंस ऑप्शन को बढ़ा देना है, ठीक है। ये क्या है कि फ़ोटो थोड़ा एडिटिंग टाइप लगता है अगर इसे बढ़ा देते हो, ठीक है, मतलब सेचुरेशन जो कलर वगैरह बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको एक मिक्स कलर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर देना है
रेड कलर को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेना है, ज़्यादा नहीं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ऑरेंज कलर जो हमारा मेन है, ठीक है दोस्तों। तो ऑरेंज कलर से हमारा फेस ग्लो होता है, तो इसका सेचुरेशन को कुछ इस तरह से कम करेंगे एंड ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे। अब इसका जो येलो कलर है, बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, तो उसके लिए सेचुरेशन को बढ़ा देते हैं एंड हुई को कम कर लेते हैं। तो देख सकते हो ब्राउन इफेक्ट आ गया फोटो में। ग्रीन में भी वैसे ही करना है सेम टू सेम, उसके बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ से देख सकते हो फोटो एडिटिंग टाइम काफ़ी अच्छी तरह से लग रही है। अब थोड़ा सा और इफेक्ट दे देंगे, तो उसके लिए हम विंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। ये रहा इंटरेस्ट का ऑप्शन, इसे कम कर लेते हैं। देख सकते हो फोटो काफ़ी अच्छी तरह से रेडी।